नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पांडे और आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। जैसे कि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न करें, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर पर यूट्यूब नोटिफिकेशन थ्रू मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आपका। तो सबसे पहले आपको जैसे बताना है कि जो सेट डाटा प्लान होता है वहाँ पर आपकी स्पीड, नेटवर्क की स्पीड दिखती है। और आप जानते हैं दोस्तों, जो हमारे बगल में देखिए 2 डेज दिख रहा है, 220 MB अभी तक हमारे ख़त्म हुई है। तो इसको दिखाने जैसे नोटिफिकेशन में वीवो में आप तो नीचे हमेशा उसमें दिखता रहता है, लेकिन जो कि अभी रेडमी का फ़ोन है उसमें अभी तक ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको अपने से ही ऑप्शन वहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन लाने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे सेटिंग में जाएं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, सिर्फ आपको समझने के लिए रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर, इसमें सिर्फ जो नेट से संबंधित है, आपके सिम से ही संबंधित है, उसमें से आपका यहाँ पर मिलेगा। तो सब यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर जाना है बोल्ट इनवैलिड। यहाँ पर आप जानते हैं बोल्ट करने से ही पूरा ऑप्शन आपका चलता है। तो यहाँ पर डाटा रोमिंग ऑन करेंगे तो आपकी नेटवर्क स्पीड हमेशा रहेगी अच्छी। और सिर्फ डाटा प्लान में क्लिक कर दीजिए। पहले सिर्फ डाटा प्लान में डाटा यूजेज का पूरा आपको बताएगा लिमिट। और यहाँ पर नीचे जाने के बाद नीचे देखिए डाटा यूजर नोटिफिकेशन सो नेटवर्क स्पीड इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर। तो इसको नहीं करते हुए हम डाटा यूजर नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप कर दिए तो हमारा ये हट गया नोटिफिकेशन, और इसको ऑन करेंगे फिर से करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आ गया। तो इसका यही मतलब है दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन देता रहेगा जितना कि आपका नेट यूज होगा, जितना आप ख़त्म करेंगे अपने अपने इस पर नेट को करेंगे तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन देता रहेगा कि कितना आप अभी तक ख़त्म किए हुए हैं। तो इसको करने से आपको ना कोड जानने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं चेक करने की ज़रूरत है, सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करिए और यहाँ पर देखिए कि आपको कितना नेट कम हुआ है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और सो नेटवर्क स्पीड, इसको करने से आपकी जैसे कि हम अभी चालू कर रहे हैं, इसको देखिए, इसको आप करने से आपकी स्पीड नहीं दे, और इसको ऑन करने से आपकी स्पीड भी दिखती है कि स्पीड में कितने, स्पीड में आप कितने के बी पर सेकेंड में आपका नेटवर्क चल रहा है। इससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आप बता सकते हैं दूसरा कोई, जिससे आप कोई पूछा कि कितने स्पीड में आपका नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने स्पीड में हमारा, कितने पर सेकेंड में हमारा कितना के बी गिर रहा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ऊपर आपका दिखता रहे। तो दोनों सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपके मोबाइल को मोटलेस बना सकती है, तो इसको सेटिंग ज़रूर करें। तो यही बताना दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी होती है तो वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी टेक्निकल से टेक्नोलॉजी हम आपको देते रहते हैं और देने का प्रयास भी हमेशा करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दृश्य में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।